स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। उत्तर प्रदेश के शेरकोट में कचरा प्लांट को लेकर विरोध, ईयू ने लाभकारी बताया। नगर पालिका परिषद द्वारा शासन के आदेश पर बनाए जा रहे मोहल्ला नाथना में कचरा प्लांट के निर्माण को लेकर स्थानीय लोगों द्वारा कई दिनों से धरना दिया जा रहा है ताकि वहां कचरा प्लांट ना बन सके। वहीं कदीमी कब्रिस्तान कमेटी के अध्यक्ष मौलाना उबैद का भी कहना है कि जहां पालिका कचरा प्लांट बना रही है खसरा संख्या 39 में दर्ज है जो निर्माण नहीं होना चाहिए और ये भूमि कब्रिस्तान को मिलनी चाहिए। वहीं पीएम और सीएम को भेजे गए पत्र में कमेटी ने कहा कि कदीमी कब्रिस्तान ग्राम सहा आलमपुर मीरा के खसरा नंबर 32 व 39 पर नगर पालिका परिषद शेरकोट अवैध कब्जा करना चाहती है। इस संबंध में धर्मराज अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद का कहना है कि ये प्लांट शहर की गंदगी को एक जगह जमा करके कचरे को प्लास्टिक, लोहा, टीन व अन्य जो भी कचरा होगा उसे छांटकर कंपनियों को बेचा जाएगा जिससे पालिका की आमदनी और भी बढ़ेगी और शहर भी साफ होगा। बिजनौर संवाददाता शमीम अहमद की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मोहम्मद वैदुर्रहमान कासमी, सदर कदीम कब्रिस्तान मोहल्ला नौदना शेरकोट। ये कचरा प्लांट को लेकर के आपने विरोध क्यों किया इसका? सूचना के आधार पर हमें एक पेपर मिला, उसके अंदर ये कब्रिस्तान 39 नंबर में कब्रिस्तान दर्ज है। जब बाउंड्री हुई थी उस वक्त हमें मालूम नहीं था, अब इस आधार पर हमें इल्म हुआ तो हमने कमेटी के अफराद को बुलाया। कमेटी की तो सबकी राय ये हुई कि ये चूंकि अगर कब्रिस्तान की आराजी है 39 नंबर तो इसके अंदर कचरा प्लांट ना लगाया जाए। ये जनहित में भी लोगों के बहुत बुरी बात है क्योंकि आबादी है, लोगों को नुकसान पहुंचेगा। हम ये चाहते हैं कि ये आराजी जो है ना कब्रिस्तान को वापस की जाए और इस प्लांट को बनने से रोका जाए। कहाँ कहाँ पर शिकायत की आपने इसकी? शिकायत तो बिजनौर और लखनऊ भी हमने पहुंचाई है और यहाँ नगर पालिका में भी हमने दी है लिख करके तहरीर। ईओ चेयरमैन का क्या कहना है? ईओ उनसे अभी हमारी कोई गुफ्तगु तो होनी, कुछ मुझसे बात नहीं हुई कोई भी उनसे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम धर्मराज राम है, मैं यहाँ अधिशासी अधिकारी के पद पे कर रहा हूँ। ये जो कचरा प्लांट को लेकर एक विवाद चल रहा है ये सर क्या मामला है ये? एक चीज आपके संज्ञान में डाल दूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, ये लगातार स्वच्छ भारत मिशन के तहत कि हमारा नगर साफ सुथरा और सुंदर कैसे दिखे इसके लिए प्रयासरत है। उसी कड़ी में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत MRF सेंटर के निर्माण के लिए शासन से धनराशि स्वीकृत की गई थी। उद्देश्य ये है कि नगर का जो हमारा कूड़ा साइंटिफिक तरीके से डिस्पोजल हो, लेकिन MRF जो सेंटर होगा वहाँ सूखा कूड़ा सेग्रीगेट होगा जिससे कि पालिका को एक अतिरिक्त आय पैदा होगी। साथ ही साथ जो निर्माण किया जा रहा है वो पालिका की सार्वजनिक संपत्ति है, उस संपत्ति में किया जा रहा है। और लोगों द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा है कब्रिस्तान है, इस तरह से अगर उनके पास डॉक्यूमेंट्स होगा तो अपना पक्ष रखेंगे, क्योंकि कब्रिस्तान की बाउंड्री ऑलरेडी पहले हो चुकी है। यह जो हमारा नंबर है, हमारी संपत्ति रजिस्टर दर्ज है और पालिका का ही संपत्ति, उसमें निर्माण किया जा रहा है नगर को साफ सुंदर और स्वच्छ और बेहतर बनाने के लिए। ये जो 25 लाख रुपए बाउंड्री के लिए बात कर रहे हैं, क्या ये क्या सत्यता है? ये पिछली सरकार में यहाँ मैरिज हॉल बनाने का एक प्रपोजल किया गया था जिसमें शासन द्वारा 25 लाख रुपये की धनराशि अवमुक्त की गई थी और तत्कालीन जो अध्यक्ष थे बोर्ड द्वारा उसकी बाउंड्री जो पुराना पीछे कब्रिस्तान है उससे सटा के बाउंड्री बना दी गई है। तो यदि उस समय यह प्रकरण होता तो उस समय इसको देखना चाहिए था कि क्या है क्या नहीं है, उस समय इसको नहीं देखा गया। अगर सपोज उस समय के बन जाता तो क्या यह कब्रिस्तान में बनता? नहीं बनता। मेन उद्देश्य इन लोगों का ये है कि जो सार्वजनिक संपत्तियां हैं उस पर कुछ लोगों की निगाहें जो है दूसरी तरह से समझ में आ रही हैं, इससे तो यही आभास हो रहा है। इसलिए हम सार्वजनिक संपत्तियों को खुर्द-बुर्द नहीं होने देंगे, उसकी सुरक्षा करेंगे और शासन की जो प्राथमिकता है, सर्वोच्च प्राथमिकता स्वच्छता को लेके है, स्वच्छ भारत मिशन को लेके है, हम उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे।